आसान है। प्लीज सर, लव यू सर, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू। मैं बताया तो शॉर्ट में कि आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं। हम Q&A सेशन करेंगे, आप लोग जैसे चाहे वैसे क्वेश्चंस में से पूछ सकते हैं। हाँ, इनको दे दो भाई। सर, जब भी मुझे डिसीजन लेने होते हैं तो मैं कंफ्यूज होती हूँ, क्योंकि जो भी मैं डिसाइड कर रही हूँ वो डिसीजन जो डिसाइड कर रही हूँ वो बेस्ड होगा माय अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और बिलीफ जितने भी हैं मेरे। और अगर मैं किसी और से एडवाइस लेती हूँ तो वो डिसाइड करेगा अपने बिलीफ्स पे और जो भी उसका नॉलेज है, तो उस समय मैं कैसे डिसाइड करूँ कि क्या सही है और क्या गलत है? एक चीज़ इसमें हमेशा याद रखना, टेक माई वर्ड फॉर इट, कभी भी किसी से ये मत बोलना कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, ये बेवकूफ लोगों की निशानी है। नेवर गिव दिस पावर टू एनीबडी, क्योंकि फिर आप बुरी तरीके से फंस जाओगे। फिर क्या होगा, अगर उसने बोल भी दिया कि ठीक है मेरे हिसाब से तू मत कर, और फिर आप करते हो तो क्या होगा? उसकी ईगो हर्ट नहीं हो जाएगी? अरे जब तेरे को करना ही वो था जो तू करना चाहता है या चाहती है, तो मेरे से पूछा क्यों, मैं बेवकूफ हूँ क्या? ऐसा होता है, नहीं होता है? तो अगर आप किसी से डिस्कस कर भी रहे हो, डिस्कस करने में कोई बुराई नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि क्या उस पर्सन को, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उस फील्ड में या उस फील्ड से रिलेटेड किसी काम में कोई एक्सपीरियंस है, यानी प्रैक्टिकली क्या उसने कुछ किया है। अगर ऐसा कोई पर्सन मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, बट जरूरी नहीं है वो पर्सन भी जो कहेगा उसको आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है, क्योंकि हो सकता है फॉर एग्जाम्पल किसी ने एक्टिंग में ट्राई किया हो और उसका नहीं हो पाया, तो आप भी एक्टिंग करना चाहते हो तो आप जाकर के उससे बात करोगे तो क्या कहेगा? अरे बेकार है, कुछ नहीं है, बहुत कॉम्पिटिशन है, ये है वो है, कुछ नहीं हो सकता, मेरा नहीं हो तो तेरा कैसे होगा? हो सकता है उसमें टैलेंट ही ना हो, हो सकता है आप में हो, तो अब क्या करें? जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो उसकी हर साइड को देखो। हर साइड कौन सी हुई? एक हो गया उसका बेस्ट केस सिनेरियो, एक हो गया वर्स्ट केस सिनेरियो। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द सिनेरियोस? इफ यू से यस, तो आपको एक तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला है। इफ यू से मैं बेस्ट केस सिनेरियो के लिए तो तैयार हूं, लेकिन वर्स्ट केस के लिए तैयार नहीं हूं, मत करो। क्योंकि वो वर्स्ट केस सिनेरियो मतलब क्या, अगर वो सिनेरियो है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अब हो सकता है 50-50% चांस हो सकता है 90-10 भी हो, कि 10% चांस हो कि बेस्ट केस सिनेरियो में आप जाने वाले हो, 90% ये है कि वर्स्ट केस में जाने वाले हो। तो आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो? अपने आप से पूछो। इसको बोलते हैं रिस्क को कैलकुलेट करना, रिस्क मैनेजमेंट। क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में? नहीं है। क्योंकि अगर आपने रिस्क को अच्छे से मैनेज नहीं किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप धक्के खा रहे हो इधर उधर। एक डिसीजन ले लिया, उसके बाद में पूरी जिंदगी रो रहे हो बैठ करके कि मैंने क्या कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस करना है तो एकदम से आप एक्साइटेड हुए पड़े हो, चार्ज्ड हुए पड़े हो कि मेरे को तो ये करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, इसके लिए इतने लाख का लोन है, और अपने घर वालों को भी रो धो करके, लड़ झगड़ के, कन्विंस करके उनका घर गिरवी रख दिया। बेचारे आपके घर वालों ने जो इतना मेहनत करके एक घर बनाया, अब वो अपने बच्चे के आगे हार गए, क्योंकि आजकल कोई 20-30 बच्चे तो होते नहीं है कि भगा दिया, जा जाके मरता है मर जा, कूद जा जाके छत से, ऐसा तो है नहीं, एक दो बच्चे होते हैं गिने चुने, तो वहां पर जान अटकी होती है माँ बाप की भी, तो उन्होंने भी आपकी जिद के आगे बोल दिया चल कोई नहीं जा तू कर ले। अब आपको एक्सपीरियंस तो कुछ है नहीं, एकदम से बड़ा डिसीजन लिया और पता लगा जब फेल होगे तो क्या होगा, जो घर के अगेंस्ट में लोन लिया वो चुकाने के पैसे होंगे आपके पास या नहीं होंगे? नहीं होंगे। तो क्या होगा, बैंक क्या करेगा, अब अगर आपसे ले लेगा फिर आप कहाँ आ जाओगे, सड़क पे आ जाओगे। क्या करोगे सड़क पे? एक दो दिन तो बड़ा एडवेंचरस लगता है कि हाँ सड़क पे बैठे होंगे, मैं बैठा होगा रेड लाइट पे, या मेरे पापा होंगे, या मम्मी होगी, या मेरी छोटी सी बहन होगी, हैं अंधे होने की एक्टिंग कर रही होगी, पैसे मिल रहे होंगे, मैं ये करूँगा तू ये करेगी, सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग सकता है किसी बेवकूफ को, बट एक्चुअल में क्या ये इंटरेस्टिंग है? बिल्कुल भी नहीं है। तो यू माइट से कि नहीं मैं वर्स्ट केस के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन मैं बेस्ट केस के लिए तैयार हूँ। बेस्ट केस क्या है, कि मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बड़ा घर आ जाएगा, ये काम छोटे से घटिया से घर में रह रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ, अब बेस्ट केस के लिए तो तैयार हो और उसके लिए एक्साइटेड हो, लेकिन वर्स्ट केस के लिए तैयार नहीं हो, तो क्या ये डिसीजन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक्टर बनना चाहते हो तो उसकी पॉजिटिव साइड तो सारी देख ली, एक्टर्स का पूरा लाइफ स्टाइल देख लिया इंस्टाग्राम पर जाकर के, आपको पता है एक्टर बनने के बाद क्या होता है, फैन फॉलोइंग देख ली, ये देख लिया, वो देख लिया, मतलब उसकी एक साइड तो आपने पूरी देख ली, दूसरी साइड देखी ही नहीं जिन लोगों के पास में चार चार दिन तक खाने के लिए नहीं होता है और जिनका एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, ये भी तो एक साइड है या नहीं है? Yes, sir.
हमने वो कहानियां तो पढ़ ली कि 10-20 साल तक स्ट्रगल करी और फिर देखो उनको एक रोल मिला इस एज में जाकर के, और देखो आज क्या कर रहे, दिखने में भी बढ़िया नहीं है। तो वो तो सब हमने देख लिए, बट उसके पीछे के जो हजारों लाखों ऐसे केसेस थे जिनमें उनसे भी ज्यादा टैलेंट था, उनका कुछ नहीं हुआ, वो हमने देखा ही नहीं। तो हमने एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बेस पे एक्शन ले लिया, तो ये एक्शन सही एक्शन नहीं है। एक्शन मस्ट ऑलवेज बी टेकन बाय लुकिंग एट बोथ दी साइड्स ऑफ अ सिचुएशन, बेस्ट केस सिनेरियो एंड दी वर्स्ट केस सिनेरियो, तब कह सकते हैं कि अब आप समझदार हो। अभी जो मैं बातें कर रहा हूं ना, ये करने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है आपको एक्सप्लेन करने में, लेकिन एक बार ये बातें समझ आ जाती हैं तो बड़ी जल्दी डिसीजंस हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं लाइफ में कैसे डिसीजंस लेता हूं कि अगर ये करना है इसका बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। वर्स्ट केस सिनेरियो ये है, ठीक है, मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट, मेंटली फिजिकली फाइनेंशियली आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट, लेट्स डू इट। अच्छा, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट केस सिनेरियो बट नॉट फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, बाढ़ में जाए नहीं करना। आई बात समझ में नहीं आई? जैसे कुछ इक्वेशंस है उसको समझने में बड़ा टाइम लगता है, साइंटिफिक कुछ इक्वेशंस है उनको समझने में बड़ा टाइम लगता है कि अच्छा ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हो रहा है, उसके बेसिक्स, उसके फंडामेंटल, एक बार समझ आ जाती है तो उन इक्वेशंस के बेस पर उसके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आप कोई भी आंसर सेकेंड्स में निकाल सकते हो। तो ये एक तरह की इक्वेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या देखना चाहिए, मतलब इमीडिएटली नजर आ जाना चाहिए कि अच्छा इसका बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड है। बट क्या हम ऐसे करते हैं? बहुत कम लोग करते हैं, या तो सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियो देखते रहते हैं और रोते रहते हैं बैठे बैठे, या बेस्ट केस सिनेरियो देख करके एक्साइटेड होते रहते हैं, सबसे लड़ते रहते हैं और कहते रहते हैं पूरी दुनिया बेवकूफ है, मैं अकेला समझदार हूं। भाई आप सबसे बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि आप दूसरी साइड को देख ही नहीं रहे हो। आपके घर वाले क्या कह रहे हैं, आप कुछ करना चाहते हो, घर वाले यही तो कह रहे हैं आपको, क्या फेल हो गए तो क्या करोगे? नहीं नहीं मैं फेल नहीं हो सकता, मैंने सब सोच लिया है। क्या सोच लिया आपने? ये बातें सुनने में कड़वी तो नहीं लग रही? हाँ, नहीं हो सकता है कोई बंदा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो अपने किसी गोल को लेकर के, उसको कड़वी लगने लग जाएगी, उसको लगेगा मैं उसका दुश्मन हूं। जैसे कुछ लोग अपने घर वालों को अपना दुश्मन समझते हैं, वो आपके दुश्मन नहीं है, वो आपको बस एक दूसरी साइड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अगर आप देख लो तो आप बेटर तरीके से एक्ट कर सकते हो। आपका माइंड थोड़ा क्लियर हुआ? अपना जो भी आप डिसीजन लेने वाले उससे कनेक्ट किया? तो मैं अपने एक्सपीरियंस को, जो नॉलेज उसके बेस पे ना देके, एक बार माइक देना इनको, माइक देना। सर, जो भी मेरे डिसीजन होंगे वो मैं अपने नॉलेज एक्सपीरियंस के बेस पे ना लूँ, न्यूट्रल होकर के, डिटैच होकर के सोचूं। एग्जैक्टली। और दोनों केस देखूं, उसके लिए अपना माइंडसेट प्रिपेयर कर दूं। Exactly. अगर मैं फेल भी हो रही हूं तो उसके लिए प्रिपेयर रहूं। और सिर्फ माइंडसेट ही नहीं, और भी जो माइंडसेट के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं वो भी आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए। फाइनेंशियली भी आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि अगर मैंने डिसीजन लिया तो मेरे 2 साल खराब भी हो सकते हैं। क्लियर हो रहा है ना? Yes, sir. कि 2 साल खराब हो सकते हैं, और कई कई केसेस में तो ऐसे डिसीजन होते हैं कि पूरी जिंदगी खराब हो सकती है, जैसे शादी का डिसीजन। ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ये भी एक क्वेश्चन है। शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कई लोग अगेंस्ट हैं इसके कि नहीं करनी चाहिए, बच्चे भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कई लोग सपोर्ट में हैं, बच्चे तो हो जाते हैं, बच्चे कोई करता नहीं है। सर वो मैं उसके सपोर्ट में हूँ बट कई लोग उसके अगेंस्ट हैं। हाँ हाँ, नहीं तो जो आप कह रहे हो, सही कौन है और गलत कौन है, जो सपोर्ट में है या जो अगेंस्ट? सही गलत कुछ नहीं होता है, देखो लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको पता है कि नहीं करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि भाई प्यार नहीं करना चाहिए, सबको पता है ना ये बात, टाइम पास कर लो, दोस्त बना लो, लेकिन प्यार व्यार के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए, बहुत बुरी हालत होती है, बंदा फंस जाता है चारों तरफ से, लेकिन फिर भी क्या होता है, हो जाता है, पता है ना सबको? जी सर। हाँ, शादी करनी चाहिए क्योंकि ये भी मत समझो, नहीं इसका कोई जवाब नहीं है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने शादी नहीं करी है और बहुत दुखी है, और जिसने करी है वो तो सारे दुखी हैं। हाँ, तो आपको आंसर मिल गया है, क्लियर समझ आ गया है ना ये कि शादी का बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? प्रिपेयर रहना है दोनों के लिए, दोनों के लिए प्रिपेयर रहना है। बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? शादी का बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि हो सकता है मेरी जो शादी है उसमें प्रॉब्लम्स कम आए, या फिर प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी जिसके सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? हो सकता है शादी के बाद ऐसी भी प्रॉब्लम्स आ जाए जिसके सॉल्यूशंस नहीं निकल सकते हैं। तो इन द वर्स्ट केस सिनेरियो क्या निकल करके आ रहा है? अलग हो जाएगी, दूसरी कर लेंगे, और क्या है। आजकल तो वेबसाइट भी आ गया है, secondshaadi.com।
क्या है, होती है, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो इन दोनों सिचुएशंस के लिए अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो कर लो शादी, अगर नहीं हो तो मत करो शादी। बट नहीं करने का बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, पकड़ लेते हैं एक बार वो भी। शादी नहीं करने का बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, शादी ना करने का बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, ना बीवी है ना बच्चे हैं, कुछ नहीं है, अकेले हैं, कहीं पर भी पड़ जाओ कहीं पर भी चले जाओ, ये वो। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, लोनलीनेस, एग्जैक्टली। क्योंकि आपके साथ के यार दोस्त हैं वो भी कहेंगे कि हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन सब करेंगे तो एंड में क्या आप अकेले नहीं रह जाओगे? yes, yes, कोई गेट टुगेदर हो रही होगी तो वहां पे भी पहले देखा जाएगा कि चलो इसको इनवाइट कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, घर पे पार्टी है, क्योंकि इसकी भी बीवी बच्चे हैं, इसके भी हैं, इसके भी हैं, ये अकेला इसको छोड़ो ऐसा होगा तो अकेले रह जाओगे। जो अकेलापन कुछ टाइम तक या एक पर्टिकुलर एज तक बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक टाइम के बाद में वही अकेलापन अंदर ही अंदर आदमी को तंग करता है। और ये मैं सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे तो नहीं, कुछ लोगों को जानता हूँ जो मेरे रिलेशन में है या फ्रेंड सर्कल में है, जिन्होंने ये पंगा लिया यानी शादी ना करने का, तो वो कोई बहुत खुश नहीं है। तो इस गलत फहमी से बाहर आ जाओ कि बहुत खुश हो जाएंगे। तो एक साथ रहेंगे क्या? मैंने सुना नहीं। हाँ, एक साथ रह के क्या कर लेगा? एक साथ रह के क्या कर लेगा? साथ रह के बहुत कुछ होता है, ऐसी बात नहीं। हाँ, तो कहाँ जाता है आप लोगों का दिमाग? अरे अश्लील भरे पड़े हैं। बहुत कुछ मतलब क्या? मतलब सिर्फ सेक्स होता है बहुत कुछ है, और कुछ नहीं आता बहुत कुछ पे? अरे बहुत कुछ होता है। तो जो भी डिसीजन आप लोगे, चाहे शादी करने का चाहे नहीं करने का, मैं कोई नहीं होता बोलने वाला कि भाई आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कोई नहीं बोल सकता। और कोई बोल रहा है तो उसकी सुनना भी मत, क्योंकि बहुत सारे लोग तो आपको इसलिए कहेंगे शादी करने के लिए क्योंकि खुद तो फंस गए हैं, कहेंगे बेटा तू भी कर ले, जब आपका कट जाएगा तब, मतलब जब आपका, हाँ, जब आप भी फंस जाओगे, ये एडिट कर देंगे हम, जब आप भी फंस जाओगे तब वो असलियत बताएंगे आपको। जब आप जा करके, मजे की बात बता रहा हूँ आपको, देख लेना, जब आपकी शादी हो जाएगी ना और आपकी वॉट लगेगी, जब एक तरफ आपकी बीवी होगी एक तरफ आपकी माँ होगी और दोनों आपस में लड़ मार कट रहे होंगे, अब आप जा करके अपने उस दोस्त से बात करोगे, यार बड़ी टेंशन है, अरे ये तो होना ही था। तो औरों से मत सलाह लो, किसी से पूछो मत कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, खुद डिसीजन लो बाय टेकिंग द बेस्ट केस सिनेरियो एंड द वर्स्ट केस सिनेरियो इनटू अकाउंट। और फिर सिर्फ यहीं तक बात नहीं खत्म होगी, तब आपको यह भी देखना होगा कि ये बेस्ट केस सिनेरियो तक कैसे पहुंचा जाए। कुछ ऐसे भी कपल्स आपको नजर आएंगे अपने आसपास में, अगर देखोगे ढूंढोगे, जो हैप्पीली एवर आफ्टर जिसको बोलते हैं, है ना, हाँ, उनसे समझने की कोशिश करो। अगर वो नहीं भी समझा रहे तो उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जैसे मैं इंस्पायर्ड था जब व्हेन आई वाज अराउंड 8 or 10 years old, तो मेरा एक दोस्त होता था, उसके जो पेरेंट्स थे वो केजी से साथ में थे, तो मैंने कहा केजी से कोई साथ में कैसे हो सकता है, तो आई वाज लाइक काइंड ऑफ इंस्पायर्ड विद देयर स्टोरी। तो मैं उनको ऑब्जर्व करता रहता था, मैं देखता रहता था, अच्छा क्या है क्या नहीं, लड़ाई झगड़े भी नहीं हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है बाहर से सिर्फ दिखा रहे हैं, एक्चुअल में बड़े पीसफुली एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं। तो मैं ऑब्जर्व करता रहता था, तो मैंने वहां से जो चीज समझी और उसको अपनी लाइफ में लगाई वो क्या था, दोस्ती होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं एक रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप बैठे हो तो अब आपकी फिजिकल क्लोजनेस कितनी है कि एक दूसरे का बस हाथ ही पकड़ करके बैठे हुए हो, तो शुरू में, और कई बार क्या होता है गैप इतना ज्यादा आ जाता है स्पेशली इंडिया में कि हाथ पकड़ने में भी शर्म आती है, और बीवी भी शर्मा रही है, पति भी शर्मा रहा है। ये कुछ चीजें हैं जो बहुत मैटर करती है, हाथ भी पकड़ रहे हो तो मतलब एज अ फ्रेंड कि आप वी आर देयर विद ईच अदर, कि बैठे हो टीवी देख रहे हो साथ में, ऐसे पीछे हाथ रख दिया बस, अपना आराम से साथ में बैठ करके हग करके एक दूसरे को टीवी देख रहे हो, हग मतलब पूरा हग नहीं, मतलब वैसे मतलब हल्का सा हाथ रखा हुआ है, टच किया हुआ है, फिजिकली एक दूसरे के पास में हो, है ना।
मुझे कुछ याद आया, मैंने कहा बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं। बता देता हूँ, मतलब मैं कई बार ये भी, मतलब जैसे हमारे घर में क्या होता है, मैं और मेरी वाइफ वी आर लाइक फिजिकली क्लोज टू ईच अदर मोस्ट ऑफ द टाइम, कि मतलब बैठे हैं साथ में, जैसे टीवी देख रहे हैं कुछ भी है तो ऐसे बैठे हैं, उसने मेरे यहाँ पे सर रखा हुआ है ना, और कभी एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है कुछ भी है, तो मेरा जो उसमें क्या हंसने वाली बात है यार, मतलब क्यों हंसी आई वैसे, किसने कुछ कमेंट मारा था या वैसे ही? सर आप शर्मा रहे हैं। अच्छा मैं शर्मा रहा हूँ, हाँ नहीं नहीं मैं बताता हूँ मैं क्यों शर्मा रहा हूँ। तो मेरा बेटा है, ही इज़ अराउंड 12 ईयर्स ओल्ड, तो उसका एक पेटेंट एक एक्सप्रेशन है, जैसे ही हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है ना, मतलब थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे होते हैं घर में तो उनके सामने मतलब थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता है, जैसे कस के थोड़ा सा मैंने उसको हक कर लिया या उसने मेरे को हक कर लिया है ना ऐसे, तो उसका एक टिपिकल एक्सप्रेशन है, वो आता है और ऐसे करके चला जाता है, क्या बात है। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया, छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं, जैसे मेरा सरदर्द नहीं भी हो रहा, बहुत बार ऐसा मैं करता हूँ कि सरदर्द नहीं भी हो रहा तो जाकर के बैठ जाता हूँ उसके पास में, मतलब जैसे वो बैठी है सोफे पे, मैं नीचे बैठ गया, मैंने कहा सर में बड़ा दर्द हो रहा है थोड़ा सा, एक्टिंग, लेकिन उससे क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग क्लोज टू ईच अदर। ये जो टच होता है ना, टच विदाउट अ मोटिव, दिस इज लव, ये बहुत कम लोगों को समझ आएगी मेरी ये बात। इस तरह से जब आप लाइफ को देखने लग जाते हो तो यहां से निकल करके आता है बेस्ट केस सिनेरियो, यू नीड टू लेट गो ऑफ योर ईगो। सारी लड़ाई झगड़ों की जड़ क्या है, मैं तू 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 मैं यही तो है, तू ये तू वो मैं ये मैं वो मैं वो मैं वो, मैं सही तू गलत, हम में ये सब होता ही नहीं है, हम में गलत सही नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं है, कुछ नहीं है, शांति है, पीस है, इसी को सेटिस्फैक्शन बोलते हैं जी।